Good morning everyone present here. First of all I want to thank Chandan sir, Sarkar sir for being here, and I would like to thank parents for being here as the judges today in this program. The event for today is the birthday of Swami Vivekananda, and it's a National Youth Day. I am the in charge of Blue House, and I'm so delighted to announce that the students has participated in such a graceful manner. So for the very first program, I would like to call the students of Blue House on stage for a Nukkad Natak. Can I have you on stage, Blue House? अव्वल का मतलब पता नहीं? अव्वल मीन्स फर्स्ट। अरे अंग्रेजी मीडियम से आए हो क्या? सो रीड इन द माइक। माइक यस यस आई एम अ प्राउड मदर ऑफ टाउन ऑफ। ये बात भाषा, ये बात इंग्लिश की या हिंदी की नहीं है, ये बात भाषा को समझने की है। तो चलिए आप हमारे प्ले का मजा लीजिए, और अगर पसंद आए तो तालियां भी बजाइए। तो आज हम आप लोगों को बताने के लिए एक नाटक दिखाने जा रहे हैं। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। नहीं नहीं ध्यान से देखो, ये मेरे पे गया है, बड़े होके हीरो बनेगा। नहीं, इंजीनियर का बेटा है, बड़ा होके इंजीनियर ही बनेगा। पंडित जी जरा देखिए मेरा बेटा फ्यूचर में क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो खेलकूद में तरक्की करेगा। मेरा बेटा है, बड़ा होके लीडर ही बनेगा। ये क्या, बच्चे को खेलने देना चाहिए। अब आगे तो बताओ क्या हुआ। बच्चे का हो गया स्कूल में एडमिशन, पापा लग गए इंजीनियर बनाने का मिशन। बच्चे को लग गया कुछ और बनने का कनक, पापा को लग गई इसकी भनक। पापा मैंने म्यूजिक कंप्यूटर पे पहला स्थान प्राप्त किया है। शाबाश, पर बताओ तुम्हारे लिए कौन सी किताबें लाऊं, बनना तो तुम्हें इंजीनियर ही है। ये पापा मुझे इंजीनियर नहीं, मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। निकल जाओ मेरे घर से। ये क्या नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। okay.
बच्चे ने अच्छे से पढ़ा, पढ़ के अच्छे मार्क्स भी नहीं आए, घर जाके डांट भी सुनी, पीटीएम के दिन टीचर्स ने पेरेंट्स से बात भी की। आज पापा ने एक सपना देखा था जिसमें बेटा मर गया था। अच्छा हुआ ये बेटा ही एक सपना था, ये मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ और तुम मुझे अपनी इंजीनियरिंग की किताबें दे दो। नहीं पापा, मैं इंजीनियरिंग और म्यूजिक साथ में करना चाहता हूँ। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। इस कहानी का उद्देश्य है कि माता पिता का निर्णय गलत हो सकता है लेकिन उनका उद्देश्य गलत नहीं हो सकता। After the introduction. Good morning, everyone. I'm the in charge of greenhouse, and now I would like to call on up on the stage my house greenhouse. Give them a big round of applause. लगाओ कान बचाओ। जल है तो कल है। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है।
देश को बनाने के लिए युवा वर्ग को मुख्य भूमिका निभानी है। पहले युवक युवती स्वयं को सुधारे, स्वयं को जिम्मेदार नागरिक बनाए, स्वयं को शिक्षित करे और स्वयं को चरित्रवान बनाए, तभी वो समाज के प्रगति में सहायक हो सकते हैं। Good morning everyone. The next act, the next Nukkad Natak will be by the Marud. And today we'll be portraying the bad effect of the mobile, the addiction of you, of today's you. I hope you all will enjoy. Yes, participants, please come on stage. और हाँ, स्वागत है आपका एक ऐसे युग में जहाँ एक सेल्फी के चक्कर में आप अपनी जान तक गवा देते हैं। पहले का समय बच्चे को फिर चॉकलेट देते ही उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती थी, पर आज जब तक हाथ में फोन ना आए तब तक उसे शांति नहीं मिलती। मोबाइल का कमाल। पहले का समय अब का समय अच्छा हाँ ग्रेवयार्ड में चल, हाँ उधर चल, हाँ मार उसे ना, हाँ बंदे को मार, चल। तूने हमें मतलब ही बना दिया। पहले जब फोन दूर था तब लोग पास थे, पर आज जब फोन पास है तो लोग दूर हो गए। इंटरनेट पे बातें ज्यादा, सामने बातें कम। लंबी लंबी पोस्ट डाल देंगे लेकिन रिश्तों में रहा ना दम। तो आज मिलकर शपथ लेते हैं कि हम अपना सारा समय फोन पर जाया नहीं करेंगे। Now this is the turn for Orange House to perform and they are doing Nukkad Natak and their theme is Betti Bachao Betti Padhao. Here comes the Orange House please. Zindabad Inqilab Zindabad Inqilab Zindabad. Thank you.
सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं नुक्कड़ नाटक, जिसका उद्देश्य है बुलंद भारत की आवाज है मिलकर चलो, मिलकर चलो। बुलंद भारत की आवाज है मिलकर चलो, मिलकर चलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए, कैसे आना हुआ? मैडम जी का चेकअप करवाना है। ठीक है, हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। कंग्रेचुलेशन, आपकी बेटी हुई है। इस देश में मेरी बेटी को कौन बचाएगा, कौन रक्षा करेगा उसकी? चुप क्यों बैठे हो, अभी चिल्ला रहे थे? कोई जवाब है आपके पास? अभी पता चलेगा। आज भी भारत के कई राज्यों में बेटियों की आत्महत्या कर दी जाती है। क्या देश को देश को लड़कियों की जरूरत नहीं है? क्या देश का भविष्य यही होगा? ये प्रश्न आपके लिए आप सभी के लिए है। कोई जवाब है? बहन मुझे अब खेलना है, तुम जाओ यहाँ से। दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। ये कोई तरीका है बात करने का? रुको मैं पापा को बोलता हूँ। ये कोई तरीका है भाई से बात करने का? जाओ इधर से, वो खेलेगा अभी। आज भी भारत देश में बाप अपनी लड़की को यही कहता है कि तुम पढ़ लिख के क्या करोगी, दहेज में तो तुम सब कुछ साथ में ही लेके जाओगी। क्या भारत देश को लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है? लड़कियां आगे नहीं बढ़ेंगी क्या? ये सवाल फिर से आप सभी के लिए है। कोई जवाब? ये क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। आज भी भारत देश की हर एक लड़की अपने घर से यही सोच के निकलती है कहीं उसके साथ बदतमीजी ना हो, कहीं उसको कोई अपशब्द ना बोले। क्या ये देश का भविष्य अच्छा है? आप सबसे ये सवाल मेरा फिर से है, अगर किसी के पास जवाब है क्या? बराबरी का साथ निभाओ, बराबरी का साथ निभाओ, महिलाएं आप आगे आओ। बुलंद भारत की आवाज है, बुलंद भारत की आवाज है, बुलंद भारत की आवाज है, बुलंद भारत की आवाज है। From grade 1, 2 and 3 on stage for a dance performance based on the challenges of the youth. के जूता कसके पैंट खोज के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया बना रहा चले रहो मंजिल का इशारा चले रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम भाग्यकारी है दुनिया बना रहा चले रहो मंजिल का इशारा क्या हुआ इतनी टेंशन में क्यों है एग्जाम्स आ रहे हैं यार हाँ तो इस बार भी टॉप करना है 98% तो लाने ही है अच्छा ही होगा बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल ऑल इज वेल जाके बोल सीटी पर जाके बोल।
मुर्गी राजा ने अंडे का क्या होगा, हर लाइफ मिलेगी या तबे पे फ्राई होगा, कोई जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, कौन कुमार सीढ़ी बजा के कौन भैया
তো তুই ম্যাথ করছিলে স্যার আমার ইংলিশ শেষ হয়ে গেছে তাই বলে আমি টাইম নষ্ট না করে আমি আপনার ম্যাথ করছিলাম এটা ঠিক যে তুমি টাইম নষ্ট করছিলে না কিন্তু তুমি যেটা পড়ছো ওটার উপরে মনোযোগ দেওয়া উচিত তুমি ঠিক করছো যে তুমি ম্যাথ সময় পেয়েছো ম্যাথ করছো কিন্তু তোমাকে ইংলিশ স্যার যেটা বোঝাচ্ছে ওটাতে ভালো করে মন দেওয়া উচিত ওকে স্যার সরি স্যার ওকে कि तुम अगर कोई चीज से डरते हो
वेरी नाइस।